Hi guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, a big big thank you for 100k and aaj ka din bahut special hone wala hai. Ye vlog bahut special hone wala hai. मैंने कुछ अपने मेडिकल कॉलेज के दोस्तों को भी बुलाया है, अपने कुछ कजन्स को भी बुलाया है एंड मैंने बहुत ज़्यादा इस इवेंट के लिए, छोटे से इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी. डेकोर मैंने लुकआउट किया, फिर उसके बाद मैंने केक ढूंढा कि कौन सा बेस्ट केक हम बनवा सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके लिए की हैं. तो आई होप आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आए एंड यू स्टिक टू इट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगेन. A few moments later. Just took a shower and now I'll go and get my hair done. Also the dress I have been waiting for so long has finally arrived and I'm so excited about it. देखती हूँ पहन के कि कैसे लगने वाली है. तो guys हम लोग एक corner को पूरा decorate कराने वाले हैं and उसके लिए हमने किसी को बुलाया भी है, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी थोड़ी सी देर में. और जो corner है वो ये है, इसको हम पूरी तरह से change करने वाले हैं. Okay, let's go. मेकअप कर रही है. थैंक यू सो मच महक, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती. झूठ बोलो. ऐसा नहीं है, वैसे ये बहुत अच्छा करती है खुद भी. बार बार झूठ बोलो. ये YouTube के लिए ऐसे अरे बस कर भाई. अनमोल इज वेरी शाय. अनमोल इज वेरी शाय. और वो उसको लगा, दीदी को लगा कि नहीं कोई कैमरा तोड़ने आया है और हमको भी कैमरा से चुरा लेगा. बहुत डर गई. तो दीदी ने सो एवरीबॉडी लाइक द फूड. मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मिलकर कुक किया था एंड सम थिंग्स वी ऑर्डर्ड बाहर से भी, तो काफ़ी अच्छा खाना भी सबको लगा. एंड मेरी ड्रेस भी बहुत, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये ड्रेस. तो मेरी ड्रेस भी आ गई थी. एवरी थिंग टर्न आउट टू बी सो गुड एंड सो पॉजिटिव एंड ऑल थैंक्स टू यू गाइज कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया दैट दिस मोमेंट केम टू माई लाइफ. अभी कल भी मेरे कजन्स आने वाले हैं तो अभी हम और इन्जॉय करने वाले हैं. एक दिन हम पार्ट भी रख रहे हैं, वो भी मैं इसी व्लॉग में डालने वाली हूँ. सो आई होप यू विल लाइक दिस व्लॉग एंड थैंक यू सो मच. ये सब क्या देखना पड़ रहा है. The next day. तो कर रहा होता है और वो ऐसे बजाता है, एक कुछ बजा देता है. अरे हाँ वो मूवी थी, वो उसका नाम क्या था मूवी का, अरे वो क्रिस इवांस है उसमें यार. अरे वो वाला पता ना तू, उसमें वो ना एयरटेल टीवी पे है. बच्चे का मिनट में बता देंगे ना, बताएंगे. उनका नीट सिलेक्शन पक्का नहीं होगा. अरे क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसे थोड़ी ना होता. ऑलराउंडर बच्चे को बंद करो, हाथ जोड़ के. ढोलक है, ढोलक भी बजाते हैं. उसके पहले तो हम ढोलक बजाएंगे तो उसके से चम्मच. मैं चम्मच वाला, वो सबसे इजी का. और नाचने वाला कौन रहेगा? ये कर तो रहे, इज रेडी. औरत बनने का शौक है, औरत बनने का. इतना बोरिंग व्लॉग नहीं बनाना मेरे को. हेलो गाइस, यहाँ से शुरू होती है. नहीं ऐसे नहीं होता. हेलो हेलो ही बोलती. नहीं नहीं नहीं, यानी ये नहीं बोलती. हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल. सो गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि नीट की प्रिपरेशन कैसे करें. नहीं हाथ इसके से. हाँ, हाँ, तो आप मगर ऐसा करोगे तो आपको ये इससे चलता रहता है. गजब बेइज्जती है.
कितनी कंफर्टेबल है ना, तुम ऑटो में बैठ जाते पहले तो गेट खोलती है दौड़ करके। इसको ना वैसे ना तेरी गलती नहीं है, मेरे को लगता था कि इतनी दौड़ करके गेट खोलती है और मेरे रूम में आएगी ना ऐसे करके गेट मार के आएगी, पर मैं इसी गलती की इसकी कैसे दौड़ खोलने की ऐसे करने की कोई बात नहीं। गया ऐसे करती है और कॉरिडोर इतने छोटे छोटे इतनी आवाज आती है बाहर से, और ये जैसी आ रही होती है ना इसका मुझे शुरू से ही पता चल रहा है ये जैसे गेट खोलती है इसका चौथे मंजिल गेट खोलती है दरवाजे का। अरे यार गेट खोलती है जब भी फूला एक तो इचकी इतनी तेज आवाज आ रही है, फिर मेरे रूम आएगी फोन चला दो मत पढ़ यूं करेगी और फिर खुद भी बैठ के फोन ही चलाएगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और फिर हम बैठ के फोन ही चला रहे होते हैं और फिर डॉक्टर मारते हैं मस्त इधर उधर की चुगली करते हैं बढ़िया। मेन टॉपिक अनमोल ही होता है, क्या होता है अनमोल जैसे गेट खुला हुआ है मैं ऐसे बोलती हूँ कि जैसे 2 बज रहे हैं मतलब 1:45 हो रहे हैं अप्रॉक्स, तो ना मैं ऐसे बोलती हूँ ना गेट बंद करके आ जाओ बैठ ही रही है आलस है उठना तो है नहीं। तो रीजन पता है क्या करती है, रीजन देती है अभी उठना है ना जाना है ना तो कर देंगे बंद। और ये भी तो मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा है हाँ, वरना तो ये क्या चीखती है भाई साहब, और ऐसे करती है आलस के आड़ में ना सब कुछ करती है और कोई काम नहीं करती है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। एंड इट्स अराउंड 1 इन द आफ्टरनून एंड अभी हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, कल काफ़ी ज़्यादा टायरिंग डे था। टायरिंग क्या बहुत मज़ा आया इनफैक्ट, तो पर मैं सब कुछ नहीं व्लॉग कर पाई क्योंकि व्हेन यू आर इन द मोमेंट तो तब ये दिमाग में नहीं आता कि यार अब वीडियो बना लो या कुछ कर लो, बट आई ट्राइड अ लॉट कि जितने ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ सब ऐड करूँ। ऑल्सो अब मेरे कुछ कज़न्स आने वाले हैं एंड मेरी बहन भी यहाँ नहीं थी वो भी आने वाली है अभी, तो फिर हम लोग एक और स्पेशल केक हमने बनवाया है वो मैं कट करने वाली हूँ एंड अगेन आई एम गोइंग टू ड्रेस अप एंड दिस टाइम आई होप आई विल बी able to show you the entire thing which I am wearing. को बाहर का सीन दिखाती हूँ थोड़ा सा। कल देखा था तूने मेरे को बनाते हुए हैं? Okay. Okay, let's go. व्लॉग में डालना है ना बाय बोल दो। बाय 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 तो गाइज एवरीबडी वेंट बैक एंड बहुत ही अच्छा लगा इतना अच्छा सेलिब्रेशन करके एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेलिब्रेशन से भी अच्छा डेकोर से भी अच्छा इन सब चीज़ों से भी अच्छा होता है कि आपके साथ के लोग कैसे हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आए फिर मेरी फैमिली भी थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और उन सबके लिए मैं आप लोगों को ही थैंक यू करना चाहूँगी, आप ही लोगों को थैंक करना चाहूँगी क्योंकि ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। हर एक इंसान ने जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उसकी वजह से आज मैं ये सेलिब्रेट कर पा रही हूँ, तो थैंक यू सो मच। एंड इसीलिए थैंक करने के लिए आज हमने एक छोटी सी पूजा भी रखी अपने घर में, तो मैंने सोचा वाई नॉट उसको भी मैं व्लॉग में ही इंक्लूड कर लूँ। सो अभी मैं ड्रेसअप होंगी और इन अ ट्रेडिशनल आउटफिट प्रोबेबली एंड देन हम मैं आपको पूजा का भी थोड़ा सा दिखाऊंगी एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। Friends,
ठीक है, जोर से लगाओ जगह शराब जाएंगे।